أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج هم ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए हैदराबाद तेलंगाना से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि तेलंगाना में आज जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पकड़ है और असदुद्दीन अवैसी साहब का जिस तरह से हैदराबाद में रुतबा है, उसी हैदराबाद से कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मीडिया के सवालों का जवाब दिया और अपनी बैरिस्टर लॉ की डिग्री को आवाम के सामने दिखाया। जी हाँ, आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, प्राइम मिनिस्टर साहब को लेकर जिस तरह से फेक डिग्री का उनके ऊपर इंजाम लगाया जा रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी से चुटकी लेते हुए उनकी डिग्री को आवाम के सामने दिखाने की इशारों में बात कही। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वहां पर प्रेस के जो आए थे उनको जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की डिग्री की वहां पर बात हुई तो उन्होंने इशारों में अपनी बैरिस्टर लॉ की डिग्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से दिखाते हुए नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। जी हां, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपनी बेबाक आवाज़ के ज़रिए से उनके ऊपर निशाना साधते हैं। कल जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनके ऊपर निशाना साधा और वहां पर उन्होंने चुटकी लेते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी डिग्री को खून पसीने की कमाई बताकर आवाम के सामने, प्रेस के सामने अपनी बैरिस्टर लॉ की डिग्री को आवाम के सामने दिखाते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी से कड़े सवाल किए। जी हाँ, आज जिस तरह से डिग्री को लेकर लगातार विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो आप ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर